फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 225 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे देखते हैं। तो दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की है ना, अधिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाले दिए हैं 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू दूरी बटे में समय हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम दूरी निकालेंगे तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय हो जाएगा ना। तो यहाँ पे चाल कितना दिए हैं? 21 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं और समय नहीं पता है। समय मान लीजिए टी है, तो 21 टी माइनस, अधिक की बात कर रहे हैं ना, 70 किलोमीटर अधिक कह रहे हैं, तो हम दोनों की दूरी माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 14 टी इक्वल टू क्या? दूरी ही होता है ना, चाल इंटू समय दूरी के बराबर होता है। तो दूरी ये दिए हैं 70 किलोमीटर, तो 70 के बराबर करेंगे, तो 21 टी में से 14 टी माइनस होगा तो कितना आएगा? 7 टी आएगा। 7 टी इक्वल टू 70, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। टी इक्वल टू 10 घंटा, तो समय कितना आ गया? 10 घंटा आ गया। और ये कह रहे हैं दोनों के बीच की दूरी बताएं, तो दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल गुणे समय। तो पहले की दूरी ये है, पहली रेलगाड़ी की दूरी ये है, दूसरी रेलगाड़ी की दूरी ये है, तो दोनों को प्लस करना है। तो 21 टी प्लस 14 टी, तो यहाँ पे हम टी की वैल्यू रखेंगे कितना? 10 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 210 प्लस में यहाँ पे भी टी की वैल्यू रखेंगे 10, 140 हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे 210 और 140, तो आ जाएगा 350 किलोमीटर। तो दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? 350 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस लौटने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, परंतु यदि मैं दोनों तरफ से पैदल चलूं तो मुझे 55 मिनट लगते हैं। बताएं मुझे दोनों तरफ सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा? देखते हैं। तो पैदल और सवारी दोनों से कितनी दूरी तय करना है, कितने मिनट में? कुल 37 मिनट में तय कर रहे हैं। पैदल प्लस सवारी, पैदल जा रहे हैं वापस, सवारी से आ रहे हैं, तो कुल कितना समय लग रहा है? 37 मिनट का समय लग रहा है। फिर ये कह रहे हैं परंतु यदि मैं दोनों तरफ पैदल चलूं, अगर दोनों तरफ पैदल चलूं तो कितना हो जाएगा? 1 पैदल 1 पैदल 2 पैदल हो जाएगा ना, तो 2 पैदल इक्वल टू कितना समय लगेगा? जब पैदल ही जाएंगे तब लगेगा 55 मिनट का समय, तो 55 हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं ये सवारी कुल सवारी द्वारा यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा? सवारी द्वारा नहीं पता है ना। अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम 2 2 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से सवारी आ जाएगी, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 पैदल हो जाएगा, इसमें पूरे में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 पैदल प्लस 2 सवारी इक्वल टू 37 का गुणा 2 से, 2 से 14 और 2 तिहाई 6
सात 74 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे 2 पैरेलल इक्वल टू 55 है ना, तो आप 2 पैरेलल के स्थान पे 55 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 55 रखन को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 74 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी आ गई, 19 आ गई ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, ये कुल समय आया है ना 19 मिनट का समय। तो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल चलकर जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करे तो कुल 3 घंटे का समय लगता है। बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चले तो उसे कुल कितना समय लगेगा। तो ये भी ऐसे ही रहेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो ये दिए हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा सवारी द्वारा वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। कुल कितना समय लग रहा है, 4.5 घंटा समय लग रहा है ना। तो यहाँ पे 4.5 घंटा लिखेंगे पैदल और सवारी द्वारा। फिर ये कह रहे हैं कुल यदि वह दोनों दिशाओं में समान गति से सवारी से यात्रा करें। अब सवारी से यात्रा कर रहे हैं ना, तो सवारी 1 सवारी + 1 सवारी 2 सवारी हो जाएगा। तो 2 सवारी इक्वल टू कुल कितना समय लग रहा है, कुल 3 घंटे का समय लग रहा है, तो 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बताएं अगर व्यक्ति दोनों दिशाओं में पैदल चलें, तो यहाँ से हमें पैदल का समय निकालना है ना कि पैदल जाने में कितना समय लगा है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से पैदल आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 2 पैदल प्लस 2 सवारी इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 × 2 = 6 और 2 × 4 = 8 हो जाएगा ना। कुल मिला के 8 घंटा 60 मिनट लगेगा, मतलब 9 घंटे का समय लगेगा ना। तो यहाँ पे 2 सवारी के स्थान पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 पैदल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा, इसे हम 8 घंटा 60 मिनट आया है ना, तो इसे हम यहाँ पे 9 घंटा लिख सकते हैं ना। तो ये 9 घंटा 6 घंटा आ जाएगा। तो पैदल जाने और आने में 6 घंटे का समय लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को पैदल चलकर तय करने में तथा पुनः सवारी द्वारा वापस प्रारंभ बिंदु तक आने में कुल 6 घंटा 15 मिनट का समय लगता है, परंतु वह पैदल आने में कुल 7 घंटा 45 मिनट का समय लेता है। दोनों तरफ की सवारी द्वारा लगा समय बताएं। तो सवारी द्वारा समय बताना है ना, देखते हैं। तो यहाँ पे पैदल और सवारी कितना दिए हैं, कितने घंटे का समय लग रहा है पैदल जाने में और सवारी से आने में, कुल लग रहा है 6 घंटा 15 मिनट का समय। तो यहाँ पे 6 घंटा 15 मिनट लिखेंगे ना। फिर ये कह रहे हैं परंतु वह पैदल आने में कुल 7 घंटा 45 मिनट का समय लेता है। पैदल आने में, तो पैदल इक्वल टू 7 घंटा 45 मिनट का समय लग रहा है। तो ये कह रहे हैं सवारी द्वारा लगा समय बताएं, दोनों तरफ से सवारी द्वारा लगा समय बताएं। तो यहाँ पे 2 पैदल हो जाएगा ना, तो 2 पैदल इक्वल टू कितना, 7 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 पैदल प्लस 2 सवारी इक्वल टू 2 से गुणा कराएंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 = 3 और 2 × 6 = 12 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 पैदल के स्थान पे कितना रखेंगे, 7 घंटा 45 मिनट रखेंगे ना। तो यहाँ पे 7 घंटा 45 मिनट तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 7 घंटा
45 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 30 में से 45 तो घटेगा नहीं, फिर यहाँ से हम 1 घंटा लेंगे, तो जब हम 1 घंटा उधर ले जाएंगे तो 60 मिनट होगा ना। ये 30 मिनट है और वो जो हम 1 घंटा लेके आएंगे 60 मिनट को, तो ये हो जाएगा 90 मिनट। 90 मिनट और यहाँ पे 11 घंटा हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 45 और ये 4 आ जाएगा, तो 4 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा सवारी से जाने और आने में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर प्रथम ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुँचती हैं। उनकी बताएं उनकी गतियों का अनुपात। तो यहाँ पे गति का रेशियो बताना है ना, तो हम जानते हैं कि v1/v2 इक्वल टू √t2/t1, v1/v2 अंडर √t2/t1 होता है। तो v1/v2 इक्वल टू t2, टाइम 2 दिए हैं 9 घंटा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और t1 4 दिए हैं, तो ये रूट में हो जाएगा। तो वर्गमूल लेंगे 9 का 3 आएगा बाहर और 4 का 2 आएगा, तो 3/2। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि तथा अजय एक स्थान से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ कर देता है तथा रवि से बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। रवि की गति बताएं। तो देखते हैं, तो रवि की चाल ये कह रहे हैं, रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो रवि की चाल हो जाएगी x-4 किलोमीटर प्रति घंटा। अजय की चाल मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। जब अजय की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इनका 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तो रवि की चाल x-4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं रवि की गति, हाँ कह रहे हैं बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है और ये बी है, तो रवि यहाँ से बी की तरफ 60 किलोमीटर गए, फिर ये पुनः वापस लौटेंगे ए बिंदु तक, कितने किलोमीटर और 12 किलोमीटर, तो इनकी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 60 और 12 72 किलोमीटर हो जाएगी। तो अजय की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगी ना, तो रवि की दूरी कितनी हो जाएगी, 60 में से 12 माइनस करेंगे 48 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, तो रवि की दूरी 48 किलोमीटर हो जाएगी ना। और दोनों लोगों का समय सेम है, तो समय 1 = समय 2 हो जाएगा ना। तो समय अगर हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी अजय की दूरी कितनी है, 72 है, 72 बटे में चाल कितनी है, एक्स है, एक्स लिखेंगे इक्वल टू समय टू इक्वल टू दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो दूरी कितनी है, 48 है बटे में चाल, x-4 है, तो 12 × 72 12 × 48 2 × 6 2 × 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x-3 × 12 = 2x हो जाएगा ना। तो 2x को बराबर के इधर लेके आएंगे, 3x में से 2x माइनस होगा, x आ जाएगा = 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
किसकी चाल आई है? ये अजय की चाल आई है, लेकिन ये कह रहे हैं रवि की चाल बताइए। तो रवि की चाल कितनी है? x माइनस फोर है ना, x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। तो 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी रवि की चाल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 61 किलोमीटर दूरी का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष भाग सायंकाल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी बताएं। उसे कुल 9 घंटे लगते हैं। देखते हैं तो ये कुल दूरी कितना दिए हैं? कुल दूरी दिए हैं 61 किलोमीटर। कुल दूरी 61 किलोमीटर दिए हैं ना। तो फिर ये कह रहे हैं कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। मान लीजिए कुछ दूरी x किलोमीटर दूरी कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल मतलब ये समय आ जाएगा। किसका? पैदल द्वारा। हाँ, पैदल का ये समय आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं साइकिल शेष भाग सायंकाल द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। शेष भाग 61 माइनस x इक्वल टू चाल कितना दिए हैं? 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, 9 हो जाएगा। और कुल कितना समय लग रहा है? कुल 9 घंटे का समय लग रहा है। पैदल की दूरी आई है, पैदल का समय, पैदल द्वारा लिया गया समय, और ये साइकिल द्वारा ना। तो ये है, ये दूरी है और ये चाल है ना। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 9 चौक 36 आ जाएगा, 36 और 4 नुमाई 36, तो ये 9x हो जाएगा। प्लस 4 का गुणा इधर कराएंगे, सॉरी यहाँ पे x होगा। तो 4 × 4, 4×6 = 24 माइनस 4x इक्वल टू 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम 36 हटाएंगे तो इधर 9 के पास आएगा 36। 9x में से 4x माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 9×6 = 54, 5×9 = 27, 7×5 = 12, तो 324 आ जाएगा ना। तो 324 में से 244 माइनस करेंगे 0, 12 में से 4 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा। तो 5x इक्वल टू 80, तो 5×5, 5×5, 5×6 = 30। x इक्वल टू कितना आया? x इक्वल टू 16 किलोमीटर दूरी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि 300 किलोमीटर की दूरी को अंशतः रेलगाड़ी तथा अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे, वह पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। यदि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे, वह 10 मिनट अधिक लेता है। बताएं रेलगाड़ी की गति कितनी है? रेलगाड़ी की गति बतानी है ना। देखते हैं तो यहाँ पे कुल दूरी दिए हैं 300 किलोमीटर। टोटल दूरी 300 किलोमीटर दिए हैं। 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय कर रहा है, 60 किलोमीटर रेल द्वारा। तो शेष कितनी दूरी बची? 300 में से 60 तो रेल द्वारा तय कर रहा है, तो 240 किलोमीटर कार द्वारा तय करेगा ना। तो ये फिर कह रहे हैं शेष दूरी, हाँ कह रहे हैं वह पहुंचने में 4 घंटे का समय लगाते हैं। 4 घंटे का समय, अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे में चाल हो जाएगा ना। तो दूरी कितनी है? 60 है,
किसके रेल द्वारा तय कर रहा है, तो बटे में रेल की चाल हो जाएगी, प्लस फिर कार द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो कार की चाल इक्वल टू कुल कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है, तो 4 हो जाएगा ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी में से वो 100 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी से तय कर रहा है, 100 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा, शेष कितनी दूरी बची, 200 किलोमीटर की दूरी बची जो कि वो कार द्वारा तय करेगा ना। तो हम जानते हैं कि समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, 100 है और बटे में रेल की चाल, प्लस 200 बटे में कार की चाल इक्वल टू कितने घंटे का समय लग रहा है, 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो पहले 4 घंटे का समय लगता था, 10 मिनट का और समय लग रहा है, तो प्लस हो जाएगा, तो 10 बटे में 60, ये आवर्स में है तो ये भी तो आवर्स में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 एक 25 बटे 6 हो जाएगा, 25 बटे 6। तो पूरे समीकरण में अगर हम 6 से गुणा करा देंगे और इसमें 10 से गुणा करा देंगे तो यहाँ से कार की चाल आ जाएगी, तो हम यहाँ पे 6 से गुणा कराते हैं, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 6 दूनी 1200, और यहाँ पे जब 6 से गुणा कराएंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पे 10 से गुणा कराएंगे तो ये 600 हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा ना। तो अब हम इसके नीचे ये दूसरा वाला समीकरण लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 600 बटे में R प्लस 1200 बटे में C इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2 आ गया ना। तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2400 में से 1200 माइनस करेंगे तो 1200 आ जाएगा, 1200 बाई सी इक्वल टू 40, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 2 20, 3 के 3 3 8 24, तो कार की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई कार की चाल। ये कह रहे हैं रेलगाड़ी की गति बताएं, रेलगाड़ी की गति बतानी है ना, तो यहाँ पे हम कार की वैल्यू रख कार के सी के स्थान पे 80 रख देंगे तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। तो रखते हैं 600 बटे में आर प्लस 2400 बटे में सी, सी के स्थान पे 80 रखेंगे इक्वल टू 40 रखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 के 8, 8 5 40, तो 600 बटे में R इक्वल टू 50 50 उधर जाएगा, तो 40 40 में से सॉरी तो 8 3 24 30 आ जाएगा, तो 40 में से 30 माइनस हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 0 से 0 कैंसिल होगा, तो रेल की चाल कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 7 घंटे में तय करता है, इसमें से अंशतः कुछ भाग पैदल चलकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर तय करता है, बताएं पैदल चलकर उसने कितनी दूरी तय की। देखते हैं, तो समय इक्वल टू क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है ना। तो मान लीजिए पैदल वो कितनी दूरी जाएगा, x किलोमीटर दूरी जाएगा, और चाल दिए हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 हो जाएगा, ये साइकिल का समय आ गया साइकिल का, प्लस फिर ये कह रहे हैं
शेष दूरी साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो 80 माइनस 100 हो जाएगी। दूरी बटे में चाल कितनी है, 16 है, इक्वल टू कुल समय हो जाएगा 7 घंटा। 7 घंटे का समय लग रहा है, सॉरी ये साइकिल का समय है और ये पैदल का समय है, पैदल का। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 तो 8 दूनी 16, 2x+80 माइनस एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा। 2x में से x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा। x+80 इक्वल टू 16 × 7 = 112। तो x इक्वल टू 80, 112 में से माइनस करेंगे तो 2 और 3। x इक्वल टू कितना, ये पैदल द्वारा कितनी दूरी आ गई, 32 किलोमीटर।